नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, बड़ा सा मैदान है जिस पर कि पीछे की तरफ देख रहे होंगे आप कि कुछ कार्य चल रहा है। जबकि यह मैदान आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से समतल हो गया है। दरअसल यह मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 नवंबर को प्रस्तावित झांसी यात्रा की तैयारियों का वो नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको किले की काफ़ी ऊंचाई से यह नज़ारा दिखा रहे हैं, जिससे आपको यह पूरा विहंगम नज़ारा दिखाई दे सके। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सभा को संबोधित करेंगे, वह मैदान किस प्रकार से खचाखच भरा होगा यह देखने की बात होगी। और आप देख सकते हैं कि यह किले का कितना खूबसूरत नज़ारा है। किले के नेफत से जिस समय यह नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, वह काफ़ी ऊंचाई से है। लगभग 60 से 70 फुट की ऊंचाई से हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं। यह आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ है जिसके ऊपर यह किला बनाया गया है, यहाँ तिरंगा जी देख सकते हैं लहरा रहा है। पहाड़ यहाँ पर बने हुए हैं, पहाड़ों के बीच में किस करीने से इस किले को बनाया गया है वह बहुत देखने लायक चीज़ है। हालांकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, चारों ओर जो फ्लड लाइटें लगना है जिससे कि किला का जगमग होने का जो प्लान है वह बहुत तेज़ी से जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मज़दूर बहुत काम कर पर लगे हुए हैं। और यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्लड लाइट लग रही हैं जो कि किले के चारों दीवारों के चारों तरफ लगाई जा रही हैं। हम आपको कुछ और अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल हम किले की दीवार के काफ़ी करीब आ गए हैं। ऊंचाई की बात करें तो हम किले की दीवार के काफ़ी करीब हैं, और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किले की जो दीवार है वो पत्थर से कितनी ऊंचाई पर है। अब यहाँ से हम आपको नीचे का भी नज़ारा दिखाते हैं, जिसे देखेंगे आप धीरे धीरे करके हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। इसके बाद आप ये मैदान तक आ जाएंगे, ये देख सकते हैं मैदान में आ गए हैं जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को जनसभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फ्लड लाइट का जो कार्यक्रम है, लाइट एंड साउंड का जो कार्यक्रम है, उसका लोकार्पण करेंगे। कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, झांसी वासियों को बेहतरीन सौगात देंगे। यह देखिए आप, चारों तरफ से हम आपको किले का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं जो कि आप घर बैठे देख सकते हैं। देश विदेश में आप कहीं भी हों, मार्केट संवाद को अगर आप देखेंगे तो आपको रानी झांसी का इतना खूबसूरत किला नज़र आएगा, जहाँ यह पहाड़ पर बसा हुआ है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है। आसमान में खुले बादल हैं इस समय, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हरियाली है, और विहंगम दृश्य हम आपको ये आसपास के किले का जो मैदान है उसका दिखा रहे हैं। और उस दृश्य को देखने के साथ यहाँ जो मैदान है, ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये है मैदान का हिस्सा, जहाँ पे आप मज़दूर आ रहे हैं, छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखिए हम आपको उनको थोड़ा करीब करके दिखाते हैं, मज़दूर हैं और यह कार के लिए आ रहे हैं। ये इससे अंदाज लगाइए कि हम इस समय कितनी ऊंचाई पर हैं। बहुत तेज़ी से कार्य जारी है, और हम आपको जो किले का जो नज़ारा दिखा रहे हैं, दरअसल इतनी ऊंचाई से जो आप देखेंगे, आप उससे लगाइए अंदाज के यहाँ से किले की जो दीवार है वह कितनी ऊंची नज़र आती है। और पहाड़ी से, हालांकि पहाड़ी चढ़ना काफ़ी ऊंचाई का काम है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ी है जो अभी लगभग 50 से 60 फुट और ऊपर है, यानी कि किले का जो मैदान है वह लगभग किले की दीवार के पास से 100 से 150 फुट की ऊंचाई पर होगा। उसके बाद फिर किले की दीवार बनती है। इतनी मजबूती सुरक्षा अभेद जो बनाई गई थी रानी झांसी के लिए, किले के लिए, वह वाकई में बहुत अतुलनीय है, क्योंकि जो समय
कलाकार हुआ करते थे, जो बनाने वाले कारीगर हुआ करते थे, वह बहुत दूरदर्शी होते थे। और यही कारण है कि ये किला सदियों 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 तक इसी प्रकार खड़ा रहेगा और हमारे झांसी का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करता रहेगा। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।